प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। खबर है कि उन पर हुए हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। यह तस्वीर वहां की है जहां सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ है। तस्वीरों में आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी सड़क से क्रॉस करती दिख रही है। घर वाले इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बेहद दुखी हूँ और हैरान हूँ। इस हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके चाहने वालों के साथ हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि संयम बरतें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय को इस मामले में एक चिट्ठी भी जारी करनी पड़ी है। इस चिट्ठी में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस से निष्पक्ष जांच की अपील की गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कुछ दिन पहले ही क्यों हटा दी गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले में DGP से जवाब मांगा है। पंजाब से प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, साथ ही बॉलीवुड से भी कई दिग्गज सितारों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभिनेता सोनू सूद ने सिद्धू मूसेवाला की एक तस्वीर उनकी मां के साथ साझा करते हुए लिखा है कि एक और मां का बेटा चला गया। इसके साथ बॉलीवुड के कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें से कुछ के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर आप पंजाबी गानों के शौकीन हैं तो सिद्धू मूसेवाला का परिचय आपके लिए नया नहीं है। लेकिन अगर आप पंजाबी गाने नहीं सुनते तो बस इतना समझ लीजिए कि वो क्षेत्र में जाने पहचाने चेहरों में सबसे आगे थे। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। नाम के आखिरी में उनके गांव का नाम आता था। उनका पूरा नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था, जिसे बदलकर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला रख लिया था। माँ चरण कौर ग्राम प्रधान है। पंजाब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वह साल 2016 में पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे। साल 2017 में उन्होंने अपना पहला ट्रैक सो हाई रिलीज किया था, जो काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें गाड़ियों के काफिलों में चलने का शौक था। उनके पास अपने बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन सरकारी सुरक्षा वापस होने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया है। सिद्धू मूसेवाला गाड़ी और बंदूक के साथ वीडियो बनाते थे। उन पर यह भी आरोप लगते रहे कि वह गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2019 में उनके एक सॉन्ग जट जियो ना मोड़ दे बंदूक वारगी को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला का एक वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें वो AK-47 से फायरिंग करते देखे गए थे। उनके सोशल मीडिया पर उनकी आखिरी तस्वीर भी बंदूक के साथ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।